हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरी होने वाली है वह क्रिया पार्क मुनेरका की है, जो कि अभी मैं आपको अंदर से जाके दिखाऊंगा। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करना, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आ सकूँ। और दोस्तों, यहाँ जो पार्क है, यहाँ की पार्किंग जो है वो फ्री है बिल्कुल, आप आ सकते हैं और कोई चार्जेस नहीं देना आपको। गेट नंबर 3 या 4 से आप अंदर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं पार्क की अंदर, दिखाते हैं आपको पार्क में क्या 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 करनी है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा पार्क है और ये आप देख सकते हो, ये बांस की रास्ता है जो कि नीचे से एक नाला टाइप गया हुआ है और इन्होंने सुंदर करके बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है पार्क। मैं भी अंदर पहली बार ही आया हूँ, वैसे तो अक्सर मैं हमेशा बाहर से आके घूम के चला जाता था। अगर आप दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और फ्रेंड्स, सबसे सुंदर बात यह है कि इस पार्क में टॉयलेट्स भी हैं, जो कि जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए हैं और बहुत ही साफ और सुथरी टॉयलेट हैं। यह एक पार्क में एक कुआ है जो कि ऊंचा कर दिया गया है और इस कुएं का प्राचीन काल से बहुत बड़ा संबंध है, देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको यहाँ का किला भी दिखाऊंगा, जो कि मकबरा टाइप है और वह तुगलक शासन से है। यहाँ पे जब दिल्ली में तुगलक राजा का राज चलता था तब से है। अगर दोस्तों आप अगर कभी यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ नियर बाई मेट्रो स्टेशन बसंत विहार है और लेफ्ट साइड पे मुनेरका पड़ेगा, आप आ सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, कभी टाइम मिले तो आना जरूर। जगह जगह पे आपको बैठने के लिए बेंच मिल जाएंगी, आप यहाँ बैठ सकते हो सब जगह। बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिल्ड्रन पार्क है, बहुत ही सुंदर, अगर आप बच्चों को लाना चाहते हैं अपने। फ्रेंड्स, अभी हम मकबरे के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ के सिक्योरिटी वाले जो भैया हैं वो मना कर रहे हैं और मकबरे में भी काम चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। पर अंदर जाके देखने की बहुत ही इच्छा थी क्योंकि मुझे ऐसी ऐतिहासिक चीज़ देखने का शौक भी है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना, ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियो ला सकूँ।